understand what is mean by insurance. It is a legal contract that transfers the risk from policyholder to insurance company in exchange for premium. यह इंश्योरेंस एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें पॉलिसी होल्डर मतलब जो इंश्योरेंस लेता है वो अपनी रिस्क इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर करता है इन एक्सचेंज ऑफ प्रीमियम. मतलब हर साल फॉर एग्जांपल इन क्रॉप इंश्योरेंस हर साल स्टार्टिंग में ही प्रीमियम पे करते हैं उस साल के रिस्क को ट्रांसफर करने के लिए. सो इन एक्सचेंज ऑफ प्रीमियम द रिस्क इज ट्रांसफर फ्रॉम द इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर टू द इंश्योरेंस कंपनी. Now the risk is the possibility of financial loss. This risk can be anything. It can be market risk, price risk, institutional risk, physical risk. So whatever the financial loss is there from the risk, that will be transferred to the insurance company. Now policy holder, the person who purchased and owns the insurance policy is known as policy holder. जो भी person purchase करता है policy को और वो insurance policy own करता है तो उसे हम policy holder कहते हैं. Insurance company, a company that provides insurance coverage for its policy holders and premium is the cost of insurance. Now let us know what is the origin and importance of crop insurance scheme. The government of India during 1970 appointed an expert committee on crop insurance under chairmanship of Dharam Naren to examine and analyze the administrative and financial implications of the scheme. 1970 में पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने धर्म नारायण की एक्सपर्ट कमेटी को एस्टेब्लिश किया जो एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल इंप्लिकेशंस जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम की है वो या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल क्या जरूरत है इंश्योरेंस की वो स्टडी करने के लिए. सो दिस कमेटी रूल्ड आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ इंप्लीमेंटिंग द स्कीम इन इंडिया. तो इस कमेटी ने क्या किया कि क्रॉप इंश्योरेंस का जो पॉसिबिलिटी है इंडिया में इंप्लीमेंट करने के लिए वो रूल आउट किया. मतलब उन्होंने रिजेक्ट किया कि इस क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम इंडिया में इंप्लीमेंट नहीं हो सकती है. लेकिन इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस कमेटी प्रोफेसर दांडेकर स्ट्रांगली सपोर्टेड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम. प्रोफेसर दांडेकर नेक्स्ट कमेटी जो आई वो प्रोफेसर दांडेकर की थी जो उन्होंने क्या बोला कि वे स्ट्रांगली सपोर्ट किया कि हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम इन इंडिया. So by accepting the Professor Dandekar's view in 1973, Government of India had set up General Insurance Corporation, that is GIC, to carry out all types of insurance business throughout the country with four subsidiary insurance companies. So 1973 में Government of India ने General Insurance Corporation ये स्टार्ट किया और उनका काम क्या था इस कंपनी का वो सारे इंश्योरेंस बिजनेस जो भी थ्रू आउट द कंट्री इंश्योरेंस बिजनेस है वो ये कंपनी देखेंगी विद द हेल्प ऑफ फोर सब्सिडरी इंश्योरेंस कंपनीज. तो फोर सब्सिडरीज कौन थे? नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी एंड यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कमिटी लिमिटेड. सो दीज वेर द फोर सब्सिडरीज ऑफ जीआईसी. लेट अस सी द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम. Crop insurance schemes has been changing from 1972 from when the crop insurance scheme has started till now. The various schemes were implemented, the drawbacks were studied and again the new schemes with new modifications were implemented. So the first was the first individual approach scheme that was for the period 1972 to 1978. Now different form of experiments on agriculture insurance on a limited, ad hoc and scattered scale were started from 1972-73. जब से दांडेकर कमेटी ने रेकमेंड किया कि we can implement crop insurance scheme and general insurance corporation was established, उस वक्त से ही agriculture insurance पे different experiments conduct किए जा रहे थे but on limited scale. एंड इंडिया में बहुत सारे स्कैटर्ड थे, एक ही जगह पे नहीं हो रहे थे, बहुत सारे स्कैटर्ड प्लेसेस पे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे. देन लेटर व्हेन जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड अ क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम ऑन H4 कॉटन एंड लेटर इट इंक्लूडेड कॉटन, वीट एंड पोटैटो. तो पहले जो क्रॉप इंश्योरेंस आया वो कॉटन के लिए, H4 वैरायटी के लिए कॉटन क्रॉप पे क्रॉप इंश्योरेंस आया और ये पहले गुजरात में स्टार्ट किया था. सो इफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड दैट वी फॉर विच क्रॉप एंड इन विच स्टेट फर्स्ट क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम वाज स्टार्टेड. सो इट वाज स्टार्टेड फॉर H4 कॉटन एंड इट वाज स्टार्टेड इन गुजरात एंड लेटर
This scheme included groundnut, wheat and potato. And also this scheme was implemented in the further state, that is Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra, Tamil Nadu and West Bengal. This scheme continued to up to 1978-79 the first individual approach scheme या crop insurance scheme जो है वो continue हुई थी और जिसमें उन्होंने 3,110 farmers cover किए थे for premium of rupees 4.54 lakhs against the claims of rupees 37.88 lakhs. So this was the first individual approach scheme. Now after this scheme ended during 1978-79. Next scheme which came into existence was Pilot Crop Insurance Scheme. This scheme was launched by GIC again in 1979, which was based on the area approach, providing insurance cover against the deficit in crop yield below the threshold level. जो पहला था वो individual approach था, individual farmer को जितना loss हुआ है उतना उसको insurance मिलता था, लेकिन ये जो second जो scheme आई वो area approach पे थी, जिसमें जो भी crop yield जितना threshold level से कम हुआ है वो insurance में cover किया जाता था. Now the scheme covered cereals, millets, oilseeds, cotton, potato and chickpea, and it was confined to lowly farmers of an institutional source on a voluntary basis. मतलब ये स्कीम में सारे क्रॉप्स कवर हुए, cereals, millets, oilseed, cotton, potato and chickpea. But ये जो स्कीम थी सिर्फ जो farmers institutional agencies से लोन लेते थे, मतलब commercial bank, cooperative bank, regional rural bank, VACLs या कोऑपरेटिव जिससे वो लोन लेते थे उनके लिए ही एक स्कीम थी और वॉलंटरी बेसिस भी थी. द फार्मर हु हैज टेकन द लोन ही मे टेक ही कैन इंश्योरेंस और ही इट वाज हिज चॉइस, वो उसकी चॉइस थी कि वो इंश्योरेंस ले या ना ले. सो बट सिर्फ ये लोनी फार्मर्स के लिए थी. देन पीसीएल दैट इज पायलट क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम 1979 वाज इंप्लीमेंटेड इन 12 स्टेट टिल 1984-85 एंड कवर्ड 6.23 लाख फार्मर्स फॉर प्रीमियम ऑफ 195 lakh against the claim of 155 lakh during the entire period. Now, ये सिर्फ 12 states में implement किया गया and it ended in 1984-85. So, this was the pilot crop insurance scheme. After this scheme, comprehensive crop insurance scheme, this CCIS, it was started in year 1985. The comprehensive crop insurance scheme was introduced by GIC in all the states. मतलब entire country में ये scheme लाई गई. This scheme covers all the farmers who availed crop loan and it is limited to cereals such as paddy, wheat, millets, oilseeds and pulses. So, ये सारे loan जो crop loan लेते थे farmers उन्हें उनके लिए ये scheme थी और जिसमें cereals like paddy, wheat, millets, oilseeds and pulses cover होते थे. Crop insurance risk was taken by GIC and respective state governments in ratio of 2:1. मतलब two parts were given by GIC and one part was given by the respective state government. The sum insured was limited to 10,000 per farmer for all insurable crops irrespective of quantum of loan taken by the farmers. Loan kitna bhi liya ho crop loan farmer ne, lekin per farmer ko 10,000 per farmer utna hi sum insurance mein diya jata tha. Only that part of crop loan is insurable which is utilized for the purpose of covering insured crops. मतलब जिस क्रॉप के लिए लोन लिया है और उस टोटल क्रॉप लोन में से वो कितना पार्ट लोन उस इंश्योर्ड क्रॉप के लिए यूज किया जाएगा उस पे ही लोन इंश्योरेंस दिया जाता था. ना इंश्योरेंस प्रीमियम वॉज फिक्स्ड एट 2% ऑफ सम इंश्योर्ड फॉर पैडी, वीट एंड मिलेट्स एंड ऑयल सीड्स पल्सिस. इट इज फॉर वन ऑयल सीड्स एंड पल्सिस के लिए 1% था और cereals and millets के लिए 2% premium था. Now premium is sanctioned as an additional loan to the farmers and should not be deducted from the original loan amount. जो भी premium था वो extra amount sanction की जाती थी farmers को और वो loan amount से deduct नहीं करते थे. The indemnity payable under this scheme was calculated on the basis of threshold yield and it is equal to 80% of average yield for a given crop for a previous 5 years. यहाँ पे जो इंश्योरेंस पे वैल्यू इंडेमनिटी मतलब जो रिस्क ट्रांसफर करने के बाद अगर लॉस हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी से जो हमें पैसा मिलता है तो उसे इंडेमनिटी कहते हैं.
सो इस इंडेमनिटी के वो कैलकुलेट कैसे करते थे, बेस्ड ऑन द थ्रेशोल्ड यील्ड। और ये थ्रेशोल्ड यील्ड कैसे कैलकुलेट करते थे, 80% ऑफ एवरेज यील्ड, लास्ट 5 ईयर्स का यील्ड कंसिडर करते थे, उसका एवरेज लेके उसका 80%, सपोज एवरेज 100 हुआ है तो उस क्रॉप का थ्रेशोल्ड यील्ड 80 क्विंटल्स होगा। नाउ शॉर्टफॉल इन द यील्ड क्रॉप्स इज द डिफरेंस बिटवीन द थ्रेशोल्ड यील्ड एंड द एक्चुअल यील्ड ऑफ द क्रॉप इन पर्टिकुलर एरिया फॉर अ ईयर अंडर कंसिडरेशन। सो पर्टिकुलर एरिया, ये एक एरिया अप्रोच स्कीम थी, यहाँ इंडिविजुअल फार्मर्स का कैलकुलेशन नहीं बल्कि वो एक पर्टिकुलर एरिया के लिए फॉर अ ईयर वो कैलकुलेट किया जाता था। You can see in the formula to calculate indemnity used was shortfall in the yield of the crop divided by threshold yield of the crop into sum insured. Now the yield data for this purpose is obtained from the crop cutting experiments conducted by the state government in accordance with the prescribed procedure approved by the National Sample Survey Organization, that is NSSO, Ministry of Planning, Government of India. So, ये थ्रेशोल्ड जो थ्रेशोल्ड यील्ड है वो कैसे कैलकुलेट करते थे, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स, मतलब स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने लैंड पे जो लैंड स्टेट गवर्नमेंट की थी वहां पे वो क्रॉप्स कल्टिवेट करके उस क्रॉप के आधारित पे उसे क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं, तो उसका यील्ड जो आएगा उसे वो थ्रेशोल्ड यील्ड करके कंसिडर किया। नाउ डिफरेंट इकोनॉमिस्ट मेड सम सजेशंस फॉर सेटिस्फैक्टरी फंक्शनिंग एंड इंप्रूवमेंट ऑफ दिस स्कीम, कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। फर्स्ट वॉज द ऑल क्रॉप्स एंड ऑल फार्मर शुड बी ब्रॉट अंडर द परव्यू ऑफ द स्कीम। ये सिर्फ लोनी फार्मर्स के लिए और सिर्फ सीरियल्स बल्स और मिलेट्स के लिए थी, तो यहाँ पे ऑल क्रॉप्स एंड ऑल फार्मर शुड बी इंक्लूडेड, ऐसे सजेशन दिया। एंड प्रीमियम रेट शुड वेरी विद द नेचर एंड इंडेक्सेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन डिफरेंट एरियाज। हर एक के लिए, मतलब सीरियल्स के लिए थ्रू आउट इंडिया प्रीमियम रेट 2% था, तो ऐसे फिक्स प्रीमियम ना रख के होल कंट्री के लिए प्रीमियम रेट्स अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड इंडेक्सेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन डिफरेंट एरिया के लिए डिफरेंट प्रीमियम रेट्स कैलकुलेट करना चाहिए, ऐसे सजेशन, सेकेंड सजेशन। थर्ड सजेशन वॉज द यूनिट एरिया कंसिडर्ड फॉर पेइंग इंडेमनिटी शुड बी अ विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस एज अगेंस्ट ब्लॉक एंड मंडल। ना जो इंडेमनिटी, ये एरिया अप्रोच थी, तो एक यूनिट ऑफ एरिया के लिए इंडेमनिटी कैलकुलेट की जाती थी कि थ्रेशोल्ड लेवल कितना है। सो इकोनॉमिस्ट ने सजेस्ट किया कि जो यूनिट आप कंसिडर कर रहे हैं वो ब्लॉक या मंडल, मतलब बड़ा यूनिट नहीं बल्कि एक छोटा यूनिट, एक विलेज के लिए या ग्रुप ऑफ विलेजेस के लिए कैलकुलेट करने से फार्मर्स को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि द थिंग विच इज अप्लाइड फॉर होल मे नॉट बी अप्लाइड फॉर इंडिविजुअल। Now, threshold yield should be worked out on the basis of crop production indices over 10-year period against the 5-year period. 5-year period consider करने की वजह से 10 years period consider करने चाहिए, fourth suggestion economist ने दिया था। Next is the advantages of this scheme. It stabilized the farm business during the period of crop failure. जो भी loss हुआ था farmers का वो loss cover करने के लिए ये scheme help करते हैं। Next, the farmer can act much more confidently in farm business as there is protection against the hazards of farming. It prevents the farmers to approach non-institutional agencies at time of crop failure. Crop failure हुआ और institutional जो loan है वो loan उन्हें pay back करना पड़े, तो farmers क्या करते थे, वो non-institutional agencies के पास जाते थे, लेकिन insurance होने की वजह से उन्हें non-institutional agency के पास जाने के टाइम ही नहीं आता था, वो क्रॉप इंश्योरेंस से ही उनका लोन पे बैक होता था। इट एनहांसेस मॉडर्न इनपुट्स टू बूस्ट द प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। तो फार्मर्स को पता होता है कि अगर उसको लॉस हुआ तो वो इंश्योर्ड है, उसे इंश्योरेंस मिलेगा, तो इसे वो मॉडर्न इनपुट्स यूज करने के लिए बूस्ट करता था, लेकिन वॉट एवर मे बी माई प्रोडक्टिविटी आई विल गेट द crop yield, that is crop insurance. So if I use modern input, something got failed, it I can use it. In the high risk areas, crop insurance serves as catalytic in bringing areas under cultivation with other would have remained uncultivated. Now high risk areas, मतलब जहाँ पे natural calamities, flood area, drought area जो होते हैं वहाँ पे farmers क्या कहते हैं कि उन्हें पता होता है कि कुछ भी हमें loss ही होगा, तो उस केस में वो क्या करते थे, वो अपनी लैंड अनकल्टिवेटेड रहते थे, लेकिन क्रॉप इंश्योरेंस की वजह से
उन्हें ये गारंटी मिल गई कि अगर हमें क्रॉप में क्रॉप फेलियर भी हो गया तो हमें क्रॉप इंश्योरेंस से हमारा इनकम स्टेबल रहेगा। तो उसकी वजह से वो अनकल्टीवेट जो वो कल्टीवेशन छोड़ दी थी, एग्रीकल्चर छोड़ दी थी, वो फिर से एग्रीकल्चर में आने लगे। सो क्रॉप इंश्योरेंस सर्व्स एट कैटलिस्ट इन ब्रिंगिंग द एरियाज अंडर कल्टीवेशन। सो देर वेर ऑल्सो सम डीमेरिट्स ऑफ दिस स्कीम। इट प्रोवाइडेड कवरेज ओनली टू द लिमिटेड क्रॉप्स लाइक वीट, पैडी, ऑयल सीड, मिलेट्स एंड पल्सेस, एक्सक्लूडिंग इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप्स लाइक शुगर केन, पोटैटो, कॉटन। तो कैश क्रॉप्स इस स्कीम में कवर नहीं होते थे। एक्चुअली कैश क्रॉप्स के लिए भी लो इंश्योरेंस उतना ही जरूरी है जितना कि पैड सीरियल्स एंड पल्सेस के लिए। एज द कवरेज वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू रेनफेड क्रॉप्स ओनली, द स्कीम वॉज नॉट इफेक्टिव इन एग्रीकल्चर इंटेंसिव स्टेट सच एज पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी। सो दिस स्कीम वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू रेनफेड क्रॉप्स। जो इरिगेटेड एरिया है हमारा कंट्री का, लाइक पंजाब, हरियाणा, तो वहां पे स्कीम इतनी प्रॉफिटेबल नहीं हुई। द स्कीम कवर्ड ओनली दोज फार्मर हु हैज अवेल्ड क्रॉप लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सम इंश्योर्ड पर फार्मर वॉज ऑल्सो लिमिटेड टू मैक्सिमम 10,000 ओनली। सो ये जो थी वोज फार्मर्स के लिए ये स्कीम थी जो लोन लेगा, और जो लोन नहीं लेगा उसके लिए ये स्कीम अवेलेबल नहीं थी। तो एक ड्रॉबैक हो गया। एंड ऑल्सो सम इंश्योर्ड पर फार्मर वॉज लिमिटेड टू 10,000, समटाइम्स लॉस मे बी मोर देन 10,000। सो यहाँ पे ये एक भी डिसएडवांटेज हुई। नेक्स्ट स्कीम वॉज द एक्सपेरिमेंटल क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। इट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1997 साइड बाय साइड ऑफ सीसीएल, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। द अटेम्प्ट्स वर मेड टू मॉडिफाई दिस स्कीम सो दैट दे कैन कवर द ड्रॉबैक्स। जो भी ड्रॉबैक्स थे, डीमेरिट्स थे, वो मेरिट्स में बदलने के लिए साइड बाय साइड एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे कि जैसे मॉडिफाई ये स्कीम को मॉडिफाई किए जाए। एंड इवन स्टेट्स डिमांडेड दैट देयर इज नीड फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। सो ड्यूरिंग रबी 1997-98 सीजन अ न्यू स्कीम दैट इज एक्सपेरिमेंटल क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 14 डिस्ट्रिक्ट ऑफ फाइव स्टेट्स के 14 डिस्ट्रिक्ट में ये स्कीम इम्प्लीमेंट की गई। एंड दिस स्कीम वॉज सिमिलर टू सीसीआईएस एक्सेप्ट दैट इट वॉज मेंट ओनली फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स विथ 100% सब्सिडी ऑन द प्रीमियम। ये एक्सपेरिमेंटल क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के थे और 100% सब्सिडी ऑन द प्रीमियम। एंड प्रीमियम सब्सिडी एंड क्लेम्स वेर शेयर बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इन द रेशियो ऑफ 4:1। फोर आउट ऑफ फाइव पार्ट, फोर पार्ट वेर गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वन पार्ट वॉज गिवन बाय स्टेट गवर्नमेंट। द स्कीम डिसकंटिन्यूड आफ्टर वन सीजन ड्यू टू इट्स मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। ये स्कीम एक ही सीजन, रबी सीजन, रबी 1997 सीजन के लिए ही था। उसके बाद ये डिसकंटिन्यू हुए बिकॉज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। नेक्स्ट स्कीम विच केम इन टू एक्शन वॉज नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम दैट इज NAIS, ऑल्सो नोन एज भारतीय कृषि बीमा योजना। Now, with the view to take insurance closer to farmers, a newly proposed insurance package over the existing comprehensive crop insurance scheme was launched on 23rd June 1999. Now, irrespective of size of the holding, NAIS would provide insurance facilities to all farmers from 1999-2000 season onwards. जो भी land holding हो उस farmer के, all farmers को insurance facilities provide की जा रही थी 1999 से। NAIS would cover all crops including coarse cereals, all pulses and oil seeds. Apart from these, three more cash crops like sugarcane, potato, cotton were also brought under the purview of the scheme in the first year, that is 1999-2000 itself. हर एक crop इसमें cover किया, जो भी drawback CCIS के थे वो यहाँ पे उन्होंने include किया, सारे crops को यहाँ पे include किया गया। All other crops, that is horticulture and commercial crops, will also propose to be included under same scheme from year 2002. और जो horticulture crops बचे थे, वो भी 2002 से include किए जाए। There was no maximum limit for sum insured. The premium rate was 3.5% for sum insured for bajra and oilseeds, 2.5% for other kharif crops. It was 1.5% for wheat and 2% from other rabi crops. So based on the different crops, the premium rate was changing and there was no maximum limit of sum insured. The scheme would operate on the basis of area approach. Again, this scheme area approach pe hi thi. All farmers in defined area would be entitled for payment of insurance claim according to indemnity rates
प्रिस्क्राइब फॉर दैट एरिया, उस एरिया के लिए इंडेमनिटी जो कैलकुलेट की जाती थी उस बेस पे ही उस एरिया के फार्मर्स को इंश्योरेंस पेमेंट मिलती थी। इंडिविजुअल क्लेम्स ऑफ अफेक्टेड फार्मर्स वुड ऑल्सो बी एंटरटेन इन केस ऑफ लोकलाइज्ड कैलमिटीज लाइक हेलस्टॉर्म, लैंडस्लाइड, साइक्लोन, फ्लड्स। सो इंडिविजुअल लेवल इंडिविजुअल फार्मर्स भी इंडिविजुअल अप्रोच भी थोड़ा यहाँ पे यूज किया गया, जैसे अगर लोकलाइज्ड कैलमिटीज एक लोकल एरिया में ही सिर्फ कैलमिटी हो तो उस एरिया के फार्मर्स को ही सिर्फ इंश्योरेंस क्लेम मिलता था। सो इवन इंडिविजुअल क्लेम्स फॉर सम लोकलाइज्ड कैलमिटीज वर अलाउड। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इट इज फॉर्मड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2003 टू सर्व द नीड्स ऑफ फार्मर्स बेटर एंड मूव टूवर्ड्स द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर रिजर्व। सो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी जो है वो 2003 में आई एंड विद द ऑब्जेक्टिव दैट टू मेक द फार्मर्स बेटर एंड टू मूव टूवर्ड्स द सस्टेनेबल रिजर्व। Now it proposed to set up new corporation of for agriculture insurance. AIC has taken over the implementation of NAIS, which until 2003 was implemented by General Insurance Corporation of India. एक agriculture के लिए एक new corporation चाहिए, इसलिए agriculture insurance company establish की गई। और जो NAIS 2003 तक General Insurance Corporation के पास थी, 2003 से AIC के अंडर आ गई। So AIC is a public sector undertaking which headquarters are in New Delhi. इसकी headquarters New Delhi में है और AIC under the administrative supervision, under the administrative control of Ministry of Finance, Government of India and under operational supervision of Ministry of Agriculture. Ministry of Finance और Ministry of Agriculture दोनों मिलके इसका Ministry of Finance administration देखते हैं और Ministry of Agriculture operational supervision देखते हैं। The Insurance Regulatory and Development Authority Hyderabad is the regulatory body of governing the AIC. Now the main objective of AIC was to provide financial security to persons who are engaged in agriculture and allied activities through insurance products and other support services. जो भी person agriculture में और allied activities में involved है उसके लिए financial security provide करना, ये main objective the agriculture insurance company. Next we'll see the share capital of AIC. Authorized share capital of AIC is rupees 1500 crores, whereas paid up share capital is 200 crores. AIC is promoted by different agencies, like first General Insurance Corporation of India. Its shareholding is 35%. Then NABARD's second is it was promoted by NABARD, whose shareholding is 30%. National Insurance Company 8.75%. These are the four subsidiaries of GIC, that is National Insurance Company, New India Assurance Company, Oriental Insurance Company and United India Insurance Company. And each of these subsidiaries each subsidiary share was 8.75% in the which promoted the agriculture insurance company. The next scheme which came into existence were modified National Agriculture Insurance Scheme, also known as MAIS. To improve further and make the scheme easier and more farmer friendly, a proposal of modified National Agriculture Scheme was prepared and approved by Government of India for implementation of pilot basis in 50 districts from Rabi 2010-11 season. The जो भी drawbacks NAIS के थे वो check करने के लिए new scheme के लिए प्रपोजल दिया गया था और जो रबी 2010-11 में एक्सेप्ट किया गया और पायलट बेसिस में मतलब स्मॉल नॉट इम्प्लीमेंटेड थ्रू आउट द कंट्री, एक स्मॉल पार्ट में इम्प्लीमेंट किया गया और इट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन द 50 डिस्ट्रिक्ट्स ड्यूरिंग द 5 सीजन्स ऑफ दिस इम्प्लीमेंटेशन इन 17 स्टेट्स द MNAIS कवर्ड 45.8 लाख फार्मर्स फॉर प्रीमियम ऑफ 1,08,800 against the claim of 86,400 lakh until the Rabi 2012-13. The total area insured was 46.79 lakh hectares during the same period. So 46.79 lakh hectares were insured during the modified National Agriculture Insurance Scheme. Next scheme was Pilot Weather Based Crop Insurance Scheme, also known as WBCIS.
With the objective to bring more farmers under the fold of crop insurance, a pilot weather-based crop insurance scheme was launched in 20 states in 2007. Apart from agriculture insurance companies, some private companies have also been allowed to implement this scheme. This scheme intended to provide insurance protection to farmers against the adverse weather incidents such as deficit and excess rainfall, high and or low temperature, humidity, which is deemed to impact adversely on the crop production. So weather-based crop insurance scheme जो है weather की वजह से crop production में जितने भी loss हुआ है उस loss को cover करने के लिए ये scheme implement की है. It has the advantage to settle the claims within the shortest possible time and it is based on the actual rates of premium. But to make the scheme attractive, premium actually charged from farmers have been restricted as per with the NAIS. The weather-based crop insurance scheme was implemented in 18 states and 469 lakh farmers were covered for premium of 751,920 lakh against the claims of 52,860 lakh for under the scheme from period 2007-8 to 12-13. The total area insured was 632 lakh hectares during the same period. So there were major challenges or limitations of this weather insurance scheme. First was need of large number of atomic weather station to minimize the basis risk. Now जो risk कितना loss हुआ है वो calculate या कितना adversely weather affect किया है उस calculation के लिए हमें इंडिया में लार्ज नंबर ऑफ एटॉमिक वेदर स्टेशंस की जरूरत थी. नाउ प्रिसाइज एक्चुअल मॉडलिंग इंश्योरर्स मस्ट अंडरस्टैंड द स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अंडरलाइंग इंडेक्स. जो भी इंडेक्स है वो उसकी स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज जानना जरूरी है इंश्योरेंस को. एजुकेशन थर्ड लिमिटेशन वॉज एजुकेशन रिक्वायर्ड बाई यूजर्स टू असेस वेदर द इंडेक्स इंश्योरेंस विल प्रोवाइड इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट. फोर्थ लिमिटेशन वॉज मार्केट साइज. The market is still in its infancy in developing countries like India has some startup cost. जो market size थी हमें market इतना अच्छा establish नहीं था और new modern market establish करने के लिए बहुत ज़्यादा cost लगता था तो ये एक limitation है. Weather cycles. Actual soundness of premium could be undermined by weather cycles that change the probability of insured events. Now weather cycles टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है तो उस वेदर साइकल्स की वजह से इंश्योरेंस जो लिया गया वो भी उतना चेंज होना चाहिए. तो वो वेदर साइकल्स जो एक्चुअली इफेक्ट करने वो कैलकुलेट करना चाहिए. देन माइक्रो क्लाइमेट्स मेक रेनफॉल और एरिया यील्ड इंडेक्स बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट्स डिफिकल्ट फॉर मोर फ्रिक्वेंट एंड लोकलाइज्ड इवेंट्स. जो थोड़े वेदर कंडीशन है वेदर कैलामिटीज रहते हैं वो लोकलाइज रहते हैं फॉर अ पर्टिकुलर एरिया तो वो उस कैलकुलेशन में बहुत सारी दिक्कत आती है. रिलायबल एंड वेरीफेबल डाटा. डाटा जो रिलायबल और जो हम वेरीफाई कर सकते हैं ऐसा डाटा हमें अवेलेबल नहीं होता. एंड टेम्पर प्रूफ वेदर स्टेशन दैट इज एटोमिक वेदर स्टेशन आर नॉट सफिशियंट इन द कंट्री सो दैट डाटा इज अवेलेबल. सो दीज आर द ब्रॉड चैलेंजेस और लिमिटेशन ऑफ वेदर इंश्योरेंस. Next, a pilot coconut palm insurance scheme. This was approved for the implementation on pilot basis for year 2009-10 and 10-11 in selected areas of Andhra Pradesh, Goa, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Odisha and Tamil Nadu. And later it was extended to West Bengal also. Ye pilot scheme pe introduced, selected areas mein introduced kiya gaya 2009-10 or 10-11 ke liye. 50% of premium was contributed by government of India, that is central government, 25% by the state government and 25% by the farmer. The coconut palm insurance scheme, that is CPIS, is administered by Coconut Development Board. Under this scheme, 51,108 farmers were covered for premium of 167.69 lakh against the claim of 214.05 lakh till December 2013 and total area covered was 25,938 hectares. Next, the recent scheme, crop insurance scheme is the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. Now, it was launched on 18 February 2016 by Prime Minister Narendra Modi. It was formulated in line with One Nation, One Scheme
theme by replacing early to National Agriculture Insurance Scheme and modified Natural Insurance Scheme by incorporating the best features and removing the inherent drawbacks. तो ये जो स्कीम थी उसका मेन मोटो क्या था, वन नेशन वन स्कीम, होल नेशन के लिए एक ही स्कीम होनी चाहिए. और इस स्कीम ने पहले के जो दो स्कीम्स थे NAIS और मॉडिफाइड NAIS वो दोनों को रिप्लेस किया बाय टेकिंग द बेस्ट फीचर्स ऑफ बोथ द स्कीम्स एंड जो ड्रॉबैक्स थे वो ड्रॉबैक्स रिमूव करके. नाउ इट एम्स टू रिड्यूस द प्रीमियम बर्डन ऑन फार्मर्स एंड एंश्योर अर्ली सेटलमेंट ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस क्लेम फॉर फुल इंश्योर्ड सम. तो ये प्रीमियम बर्डन फार्मर्स पे से कम करना और दूसरा ऑब्जेक्टिव था कि जो सेटलमेंट क्रॉप इंश्योरेंस सेटलमेंट है वो अर्ली हो और जिससे फुल इंश्योर्ड सम मिले फार्मर्स को. तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एम्स टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवरेज अगेंस्ट द फेलियर ऑफ क्रॉप्स दस हेल्पिंग द स्टेबिलाइजिंग द इनकम ऑफ द फार्मर्स. दिस स्कीम कवर्स ऑल फूड्स एंड ऑयल सीड क्रॉप्स एनुअल कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप for which past yield data is available and for which requisite number of crop cutting experiments have been conducted under the general crop in estimation survey. So har ek crop yahan pe cover kiya gaya hai jis pe crop cutting experiments aur jis pe data yield data available ho aur jo crop cutting experiments conduct ho rahe. The scheme is implemented by the appellant general insurance companies. The selection of implementing agency is done by the concerned state government through bidding. So first implement general insurance companies है और जो state level पे implementing agency होगी वो state government through bidding वो select करेंगे. The scheme is compulsory for loany farmers availing crop loan or KCC account for notified crops and voluntary for all others. मतलब जो loan farmers है वो automatically वो loan के लिए loan insurance इंश्योरेंस को अप्लाई करते हैं, लेकिन जो नॉन लोनी है तो वो उनके लिए वॉलंटरी, जो इस स्कीम को इंश्योरेंस इंश्योर्ड होना चाहते हैं वो प्रीमियम भर के इंश्योर्ड हो सकते हैं. दिस स्कीम इज बीइंग एडमिनिस्ट्रेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर. नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम वर फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर्स, जो भी क्रॉप लॉस या डैमेज हो उनके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना, स्टेबिलाइजिंग द इनकम, इंश्योरेंस मिलने की वजह से जो लॉस हुआ था तो वो कवर होता था और उनका इनकम स्टेबिलाइज होता था. नेक्स्ट इंश्योरिंग एनकरेजिंग फार्मर्स टू अडॉप्ट इनोवेटिव एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर एंड इंश्योरिंग द फ्लो ऑफ क्रेडिट टू एग्रीकल्चर सेक्टर विच कॉन्ट्रीब्यूट टू द फूड सिक्योरिटी, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, एनहांसिंग ग्रोथ एंड कॉम्पिटेटिवनेस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर बिसाइड प्रोटेक्टिंग फार्मर्स फ्रॉम प्रोडक्शन रिस्क. सो व्हाट आर द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ दिस स्कीम? The scheme shall be implemented through multi-agency framework by selected insurance company. ये एक कंपनी या एक एजेंसी से नहीं चलाती थी, but it was implemented by multi-agency approach. By the guidance of Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare and Government of India and concerned state in coordination with different other agencies like financial institutions, commercial bank, cooperative banks, RRBs, regulatory bodies, government departments like agriculture, cooperation, horticulture, statistics, revenue. So based on the opinion of these all agencies, the implementing agency was selected. Now coverage of farmers. All the farmers growing notified crops in notified area during the season who have insurable in the crop are eligible for this scheme. The voluntary coverage from 2020 kharif crop onwards, the enrollment is made 100% voluntary. Which are the crops covered? All crops, that is oilseed, food crop, annual, commercial and horticulture crops, all crops are covered under this scheme. Now what are the risks that are covered in this scheme? First was prevented sowing, planting and germination risk. Matlab insured area is prevented from sowing, planting, germination due to deficient rainfall or adverse seasonal or weather conditions. अगर sowing में delay हो गया या germination हुआ नहीं है तो वो भी risk यहाँ पे cover की जाएगी. Then in case of standing crops, it means from sowing to harvesting, comprehensive risk insurance is provided to cover the yield loss due to non-preventable risk like drought, dry spell, flood, widespread of pest and disease attack, landslide, fire due to natural causes, lightning, hailstorm and cyclone.
तो जिस रिस्क को ना प्रिवेंट नहीं कर सकते एंड इट अफेक्ट्स द स्टैंडिंग क्रॉप दैट इज फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग, तो उस सारे जो नॉन प्रिवेंटेबल रिस्क है उसके लिए इंश्योरेंस था. नेक्स्ट इज द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस. पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस इट कवर्स कवरेज इज अवेलेबल ओनली अप टू मैक्सिमम ऑफ पीरियड ऑफ 2 वीक्स फ्रॉम द हार्वेस्टिंग. एक बार क्रॉप के हार्वेस्ट हो गई तो इंश्योरेंस क्लेम कब तक कर सकते हैं? 2 वीक्स. अगर हार्वेस्ट के बाद 2 वीक्स में कोई लॉस हुआ तो फार्मर इंश्योरेंस क्लेम कर सकता है. फॉर दोज क्रॉप्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी ड्राइड इन कट एंड स्प्रेड कंडीशन इन द फील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग अगेंस्ट स्पेसिफिक पोल्स ऑफ हेलस्ट्रॉम साइक्लोन साइक्लोनिक रेन्स एंड अनसीजनल रेन्स. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने पैडी हार्वेस्ट करके फील्ड में 1-2 दिन के लिए ड्राई करना जरूरी होता है, तो उस वक्त अगर कोई नेचुरल कैलामिटी लाइक हेलस्ट्रॉम साइक्लोन या अनसीजनल रेन आए और उससे जो क्वांटिटी यील्ड है वो यील्ड का लॉस हो गया, तो उस वक्त इस स्कीम में वो भी लॉस इंश्योरेबल था. देन लोकलाइज्ड कैलामिटीज लॉस और डैमेज ड्यू टू मॉडिफाइड इंश्योरेंस इंश्योर्ड क्रॉप्स रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑकरेंस ऑफ आइडेंटिफाइड लोकलाइज्ड रिस्क सच एज हेलस्ट्रॉम लैंडस्लाइड क्लाउड बर्स्ट एंड नेचुरल फायर ड्यू टू लाइटनिंग affecting isolated farms in the notified area. Isolated farms जो थे वो notified area में भी अगर वो affect हो रहे हैं तो वो भी यहाँ पे cover किया जाता. Next, add-on coverage for crop loss due to attack of by wild animals. The state may consider providing an add-on coverage for crop loss due to attack by wild animal wherever the risk is perceived to be sustainable and is identified. जहाँ पे ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है, अगर उन्हें लगता है कि वो और जो वाइल्ड एनिमल के अटैक की वजह से ईल्ड क्रॉप लॉस हुआ है वो कवर करना चाहते हैं, इंश्योरेंस करना चाहते हैं, तो वो स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है. जनरल एक्सक्लूजन लॉसेज अराइजिंग आउट ऑफ वार न्यूक्लियर रिस्क मार्शियस डैमेज एंड अदर प्रिवेंटेबल रिस्क शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस स्कीम. सो लिस्ट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज विच आर इम्प्लीमेंटिंग agencies in or which are helping to implement this scheme. So Department of Agriculture and Cooperation and Farmers Welfare has designated agriculture insurance company and some private insurance companies to participate in government sponsored agriculture or the crop insurance schemes. So different along with AIC, different private companies were also helping to implement this scheme. So like first was the AIC, that is this is the agriculture insurance company, this is the main implementing agency, followed by private insurance companies like ICC Lombard General Insurance Company, HDFC Ergo General Insurance Company, IFCO Tokyo General Insurance Company, Cholamandalam MS General Insurance Company, Bajaj Allianz, Reliance General Insurance Company, Future General India Insurance Company, Universal Sompo General Insurance Company, Tata AIG General Insurance Company Limited, SBI General Insurance Company Limited. So these are the various insurance companies which are involved in the implementing of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. Now unit of insurance. Now this scheme is implemented again on the area approach. Defined area for each notified crop for widespread calamities with assumption that all insured farmers in the unit of insurance to be defined as notified area for a crop faces similar risk exposure incurred to a larger extent, identical cost of production per hectare, uncomparable farm income per hectare, and experience similar extent of crop loss due to the operation of insured peril in notified area. So, yahan pe unit of insurance matlab यदि एक एरिया अप्रोच बेसिस पे थी तो उस एरिया अप्रोच में किस व्हाट इज द यूनिट ऑफ एरिया टू बी यूज्ड टू कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड यील्ड. सो यहाँ पे क्या होता था, एक एरिया को डिफाइन फॉर ईच नोटिफाइड क्रॉप एक एरिया को डिफाइन किया जाता था जिसपे कैलामिटीज की वाइड स्प्रेड हो विद अजम्पशन दैट जो भी उस एरिया में हम कैलकुलेट यूनिट इंश्योरेंस जो कैलकुलेट करेंगे उस एरिया तो उस एरिया में जो भी इंश्योर्ड फार्मर्स है उन्हें भी उतना ही लॉस हुआ है जितना हमने उस एरिया के लिए कैलकुलेट किया. सर नोटिफाइड सो यूनिट ऑफ इंश्योरेंस इज डिफाइंड एज नोटिफाइड एरिया फॉर अ क्रॉप एंड विच फेसेस द सिमिलर रिस्क. जो भी रिस्क है उस एरिया के लिए इम्प्लीमेंट हुआ है वेर ऑल्सो अज्यूम दैट सिमिलर रिस्क एक्सपोजर फॉर ऑल फार्मर्स
जो भी फार्मर्स है वहां पे आइडेंटिकल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर हेक्टर होगा, ईच कंपेरेबल फार्म इनकम पर हेक्टर एंड एक्सपीरियंस सिमिलर क्रॉप लॉस. नाउ डिफाइंड एरिया इज द विलेज और विलेज पंचायत लेवल बाय वॉट एवर नेम where these areas may be called for major crops and for other crops the unit size of is above the village and panchayat level. जो भी पहले defined area इस scheme में क्या होगा, unit of insurance जो है यहाँ पे village level होगा for the main crops or major crops and for other crop it will be above the village level. It may be at taluka or mandal. So this is the unit of insurance in case of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana.